ये गोधरा है, वही गोधरा जहां करीब 20 साल पहले साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी। उस अग्निकांड में 59 कार सेवकों की मौत हुई थी। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गोधरा पहुंचे तो लोगों को उस घटना की याद दिलाती। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिला है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। गोधरा में योगी की मौजूदगी से राम भक्तों का हुजूम उत्साह से भर गया। भगवा रंग में रंगा गोधरा योगी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखा। इसी माहौल में योगी ने गोधरा कांड की याद भी दिलाई और फिर लगे हाथ राम मंदिर की चर्चा भी कर डाली। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने गोधरा कांड और 2002 के दंगे को मुद्दा बना दिया। सीएम योगी ने जो कहा उसे राजनाथ सिंह ने सही ठहराया। गोधरा गुजरात से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसने चर्चा कर दी, तो चर्चा किया तो कोई अपराध तो किया नहीं उन्होंने, कोई गुस्ताखी तो की नहीं। गोधरा कांड हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था। योगी से पहले अमित शाह ने भी खेड़ा से लेकर भरूच तक चुनाव प्रचार के दौरान 2002 दंगों की चर्चा की और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। 2002 में कांग्रेस से आदत पड़ी थी इतने रमखाण थया था, पण 2002 में एवो पाठ सिखवाड़ियो के खोड़ भूली गया, 2002 थी 22 सुधी नाम ना ले सर। बीजेपी ने दंगों को सियासी हथियार बनाकर कांग्रेस पर वार किया तो अब की बार गुजरात में भी किस्मत आजमा रहे ओवैसी ढाल लेकर खड़े हो गए और बीजेपी पर माहौल को जहरीला करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने जवाब दिया, जिसकी जैसी सोच। जिनकी सरकार थी उनके दौर में इतना बड़ा दंगा हुआ, जेनोसाइड हुआ, तो उनको उस पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है कि हम सरकार में थे, हम मुख्यमंत्री थे, वहां से प्रधानमंत्री बने। अपनी गलती को नहीं मान रहे, बल्कि इस तरह का बयान देकर वो कह रहे हैं कि उस वक्त की सरकार और स्टेट कॉम्प्लिसिट थी उस वायलेंस में।